हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ एग टिक्का मसाला। बहुत ही टेस्टी और एक यूनिक डिश बनकर तैयार हुई है। इसके लिए लिए है मैंने उबले हुए अंडे और ये लेंगे इसका हरा मसाला। ये बहुत ही बढ़िया हरा मसाले से बनकर तैयार होगा और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो अंडों को मैंने हार्ड बॉयल किया है और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसमें लिया है हरा धनिया, काजू, हरी मिर्च और 2 टेबल स्पून लेंगे दही। इन सबका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट हमारा हरा तैयार हो चुका है और अंडों की कटिंग कर लेते हैं अब। तो अंडों को मैं सिर्फ इस तरह स्लाइस में कट करूंगी। तो इस तरह अंडों की कटिंग कर लूंगी स्लाइस के अंदर। थोड़े मोटे स्लाइस कट किए हैं मैंने और सभी अंडे काट कर तैयार कर लिए हैं। इनको रखेंगे एक साइड। यहाँ लिया है मैंने कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी 2-3 हरी इलायची, थोड़ी सी लेंगे दालचीनी का टुकड़ा और इनको क्रैकल होने देंगे। ये लिया है मैंने 1 बड़े साइज की प्याज, इसको बारीक चॉप किया है और इसको डाल देंगे इसके अंदर। अब प्याज को हम हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ये हमारी प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए प्याज अच्छी तरह हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भूनेंगे प्याज के साथ ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए, इतना भून लेंगे। और ये लिए मैंने कुछ मसाले। तो यहाँ लिए कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर, गरम मसाला और 1/2 टीस्पून लिए हल्दी और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। मसालों को डाल देंगे अदरक लहसुन और प्याज के साथ, इनको भूनेंगे। तो मसाले जले नहीं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे 2 से 3 बार और अच्छी तरह इनको मसालों को भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और हमें मिले एक अच्छा सा बेहतरीन सा मसाला। मसाले भुन चुके हैं यहाँ पर, इसमें डालेंगे हम दही। तो दही मैंने 1 कप लिया था, 2 टेबल स्पून इसमें से मैंने हरे मसाले के अंदर डाल दिया है और जो बचा है वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। दही के साथ भुनेंगे, दही को अच्छी तरह से भून लेंगे। दही भी अच्छी तरह भुन चुका है, यहाँ डालेंगे वो हरा मसाला जो हमने बनाकर रखा था, हरा धनिया, काजू, हरी मिर्च का, और हरा मसाला डालकर भी भूनेंगे। मैंने इसमें यहाँ लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, वो तीखी नहीं होती है। हरी मिर्च ही डालिए बस इसके अंदर और ये इससे इतना टेस्टी बनेगा एग टिक्का मसाला, बहुत ही टेस्टी। तो हरा मसाला भी भून लेंगे, यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे हम ताकि जो हमारा मसाला है हल्का ढीला सा हो जाए। और जो हमने अंडों को बॉईल करके कट करके रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे और इनको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि जो इनकी अंदर की जर्दी है वो अलग ना हो जाए। और 1 से 2 मिनट हम इनको पकाएंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अंडे के अंदर आ जाए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी अंडा मसाला बनकर तैयार हुआ है। इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। हमने यहाँ गैस की फ्लेम बंद कर दी है और इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटी छोटी हरी मिर्च, बीच में तोड़कर भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाली है। और एक इसको देंगे हम टिक्के का फ्लेवर, तो हम इसमें स्मोक करेंगे। यहाँ रखी है मैंने बीच में 1 कटोरी, इसमें डालूंगी जला हुआ कोयला, उसके ऊपर डाल देंगे 2 से 3 बूंद ऑयल। इससे इसके अंदर जो टिक्के का फ्लेवर आएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस स्टेज पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ एग टिक्का मसाला। इसका करते हैं हम डिश आउट। इस तरह एक हिला लेंगे इसको, चम्मच की मदद से नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी तरह हम इसको डिश के अंदर डाल देंगे
ताकि जो हमारा टिक्का है वो बिल्कुल ना टूटे, इसके अंदर से जर्दी अलग ना हो। और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई एग टिक्का मसाला, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।